बीती रात गोंदिया से बालाघाट की ओर आ रही एक यात्री ट्रेन की चपेट में आने से एक मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा कोसमी रेलवे ट्रैक का बताया जा रहा है। मृतक का नाम ग्रामीण थाना नवेगांव ग्राम कोसमी निवासी 45 वर्षीय अनिल पिता हंसलाल सोना बताया गया है, जिसके शव का सोमवार को पोस्टमार्टम कर शव अंतिम संस्कार के लिए उनके परिजनों के सुपुर्द किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कोसमी निवासी अनिल अविवाहित था। बताया जा रहा है कि अनिल अपनी मां के साथ कोसमी में मकान में रहता था, जो मजदूरी कर अपना और अपनी मां का पालन पोषण करता था। बताया जा रहा है कि रोजाना की तरह रविवार को भी अनिल मजदूरी का काम करने के लिए गया था। काम से वापस आते समय उसे देर हो गई, जो रात्रि करीब 8:30 बजे रेलवे पटरी से अपने घर वापस आ रहा था। तभी करीब 8:41 पर वह गोंदिया से बालाघाट की ओर आ रही यात्री ट्रेन की चपेट में आ गया, जिसे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। उधर मामले की सूचना मिलते ही रेलवे पुलिस बल बालाघाट की टीम कोसमी के 1041 किलोमीटर नंबर के पास पहुंची, जहां से उन्होंने मृतक का शव उठाकर उसे पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां रात्रि अधिक होने के कारण शव का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया था। सोमवार की सुबह अस्पताल पुलिस शव ने मृतक के परिजनों का बयान दर्ज कर पंचनामा सहित अन्य आवश्यक कार्रवाई पूरी की। ये अनिल सोना पिता हंसराज सोना कोसमी में रहते हैं। उनको भी सुबह उनके बड़े भाई का फोन आया कि अनिल का एक्सीडेंट हो गया है। यहाँ आके पता चला कि ट्रेन से हुआ है और ये रात करीबन 9:45 बजे की घटना के आसपास है। तो क्या आंध्र स्पॉट में खत्म हुआ था क्या उपचार के दौरान? ये उपचार के दौरान ही खत्म हुआ, यहाँ लेके आए। तो ये क्या अकेले कहाँ रहते थे? ये भारत स्टील के पीछे उसमें नहीं रहते, मम्मी के साथ। क्या करते थे? कोई मजदूरी सुधारना कूलर सुधारने का काम थे। तो कौन सी ट्रेन से टकराया है ये? ट्रेन का नाम कंफर्म नहीं मालूम, डेमो बता रहे हैं। जो बाला गोंदिया से आ रही थी। किस साइड की घटना है ये? बंदरझरिया और सिग्नल के बीच की।